दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड। अब इस कंपनी की मैं क्या ही चर्चा करूं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों क्या बेहतरीन चार्ट है इसका। हर लेवल पर इसमें एक अच्छी तेजी देखी गई है, हर बार ये प्राइस एक्शन बना के काफ़ी ऊपर निकल जाता है और अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी दोस्तों मुझे बहुत पसंद है, बाकी हम इसके चार्ट की एनालिसिस फिर से वापस आके करेंगे, लेकिन चल के पहले इसके दोस्तों इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कंपनी का नाम है मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 821 रुपए का है और आज ये इंट्राडे में 4% से ज्यादा तेज था। इसके जो मार्केट का वैल्यू है वो लगभग 80,000 करोड़ का है। इसका जो स्टॉक पी है वो 75 है, थोड़ा सा हाई है, तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ROCE इसका 15% और ROE 16% का है। बाकी इसके हाई लो की बात करें तो इसका जो पिछले एक साल का लो है वो 412 रुपए रहा है और इसका जो हाई है वो 829 रुपए का रहा है। ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है और इसके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हैं, मेडिकल सेंटर्स एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भी इस कंपनी की काफी अच्छी वैल्यू है। इसका चार्ट आप देख ही पा रहे हैं क्या बेहतरीन चार्ट है, लगातार हायर हाइज बनाता हुआ चला जा रहा है 45 डिग्री में। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेब्ट कम किया है और अब ये लगभग डेब्ट फ्री हो चुका है। इसका जो कैगर है CAGR वो पिछले 5 सालों में 115% का है, यानी कि हर साल इस स्टॉक ने अपनी वैल्यू डबल करी है। और इसके कॉन्स की बात करें तो ये 10 times बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है अभी। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 11% का है पिछले 3 सालों में, और पिछले 3 सालों में इसके प्रमोटर्स ने इसमें से अपनी होल्डिंग भी निकाली है। बाकी इसके पीयर कंपैरिजन करें तो ये हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है और इस सेक्टर की और भी कंपनियां जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ, नारायणा हृदयालय, एस्टर डीएम, डॉक्टर लाल, ये सभी की सभी मैक्स हेल्थ केयर की पीयर ग्रुप्स कंपनियां हैं जो सारी की सारी हेल्थ केयर में अपना योगदान देती हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में जहां 796 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 976 करोड़ का हुआ, दिसंबर 2022 में 1142 करोड़ का हुआ और दिसंबर 2023 में 1335 करोड़ का हुआ। और वहीं पर अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 90 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 190 करोड़ हुआ, दिसंबर 2022 में 222 करोड़ हुआ और दिसंबर 2023 में 289 करोड़ हुआ। तो यानी कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है उसमें भी काफी वृद्धि देखी गई है और इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। बाकी इसके प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2017 में जहां 1608 करोड़ का था, मार्च 2019 में 1691 करोड़ का हुआ, मार्च 2021 में 2500 करोड़ का हुआ और मार्च 2023 में 4500 करोड़ का हुआ और करंट में 5198 करोड़ का है। और साथ ही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2017 में 16 करोड़ का था, मार्च 2019 में निगेटिव रहा, मार्च 2021 में भी निगेटिव प्रॉफिट रहा, मार्च 2023 में 1104 करोड़ का हुआ और इस समय 1057 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। इसके CAGR की बात करें दोस्तों तो कंपनी अभी ज्यादा पुरानी है नहीं, लेकिन इसके 3 सालों का 66% का CAGR रहा है और पिछले 1 सालों में 87% का CAGR रहा है। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2017 में 874 करोड़ का उधार था कंपनी के ऊपर, 2019 में 1000 करोड़ का हो चुका, 2021 में 1100 करोड़ का हो गया, लेकिन फिर वहां से अपना कर्ज इसने कम करना शुरू किया और मार्च 2023 में 689 करोड़ और करंट में सितंबर 2023 तक 660 करोड़ का रह गया है। यानी कि अब ये कंपनी अपने उधार कम करती जा रही है। और वहीं पर अगर इसके असेट्स की बात करें तो मार्च 2017 में जहां 3146 करोड़ का असेट था, मार्च 2019 में 3355 करोड़ का हुआ, मार्च 2021 में 8543 करोड़ का हुआ जो कि काफी तेजी से बढ़ा, मार्च 2023 तक 10000 करोड़ का हो गया और इस समय करंट में सितंबर 2023 तक 10656 करोड़ का इसका टोटल असेट हो चुका है। तो कंपनी के लिए अच्छी बात यह है कि कंपनी लगातार अपने बोरोइंग्स कम करती जा रही है और अपने असेट्स लगातार बढ़ाती जा रही है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में 70% थी, जो घटकर दिसंबर 2023 में सिर्फ 23% का रह गया है, जो कि यहां पर एक रेड फ्लैग है, इस चीज पर आप नजर रखिएगा। और FIIs की होल्डिंग जहां 17% थी वो बढ़कर 60% हो गई है, यानी कि जो प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं वो सारा का सारा FIIs खरीद रहे हैं। और DIIs की बात करें जहां 4% की हिस्सेदारी थी, उन्होंने भी अपनी बढ़ा के 11% कर लिया है। पब्लिक जहां 6% में थी, पब्लिक ने भी यहां निकल के 4% पे आ चुकी है। तो इस स्टॉक में प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं और FII एंड DII लगातार इनके माल खरीद रहे हैं। इस कंपनी अगर फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसका जो ROE है पिछले 10 सालों में काफी अच्छा रहा है, कैपेक्स वर्सेस ROCE भी काफी अच्छा रहा है, वर्किंग कैपिटल भी इसका बहुत ही अच्छा है, रिटेल्स की होल्डिंग भी ठीक है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और इसने अपने शेयर प्लेस नहीं किए हैं। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 97% हेल्थ केयर सर्विसेज से आता है और दवाइयों की सेल्स 2.4% का आता है। और हेल्थ केयर में इसका जो ऑन्कोलॉजी है वहाँ से 25%, कार्डियक साइंस से 12% का रेवेन्यू, आर्थो से 11%, पल्मोनोलॉजी 9.4%, 9.1% फ्रॉम न्यूरो साइंस एंड मेनी मोर। तो देखा जाए तो जो ऑन्कोलॉजी है यानी कि कैंसर पीड़ित विभाग है वहाँ से इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। और इसके लोकेशन वाइज अगर ब्रेकअप करें तो दिल्ली से 63.9% यानी कि सबसे ज्यादा मेजोरिटी हिस्सा दिल्ली से ही आता है, उसके बाद 11% उत्तर प्रदेश से,
8.8% पंजाब से, 8.5% महाराष्ट्र से एंड 4% उत्तराखंड से। और इसके कस्टमर सेगमेंट की बात करें, इंस्टीट्यूशनल मरीज जो है वो 28% और इंटरनेशनल 5.5%। तो दोस्तों अब इसके चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लगातार हायर हाइज बनाते हुए निकल जाता है। कंपनी तो बहुत ही अच्छी है और इसका जो विजन है वो भी काफी अच्छा है, लेकिन इस समय जो कंपनी है वो काफी ज्यादा इसका शेयर प्राइस बढ़ चुका है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यहां से और नहीं बढ़ सकता, ये यहां से और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो एक बार खुद से जरूर जांचना, और अगर जरूरत पड़े तो अपने एडवाइजर की राय भी जरूर ले लेना।